बच्चन और नेहरू गांधी परिवार फिर से करीब आता दिख रहा है। इसकी पहल खुद बिग बी ने की है। अमिताभ ने पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और उसके कई नेताओं को ट्विटर पर फॉलो करना शुरू किया है। अमिताभ बच्चन और नेहरू गांधी परिवार, एक राजनीति का सबसे प्रभावशाली परिवार और दूसरा पर्दे का। दोनों परिवारों को रिश्तों की कहानी बिल्कुल फिल्मी पर्दों पर रची जाने वाली कहानियों की तरह है। कभी मिलना, कभी बिछड़ना और कभी बिछड़ कर फिर से मिल जाना। कहानी में ट्विस्ट आया है, अब बारी मिलन की है। बॉलीवुड के शहंशाह अचानक कांग्रेस पर पिघल गए हैं। पहले राहुल गांधी को ट्विटर पर फॉलो किया, फिर एक के बाद एक कई कांग्रेसियों को फॉलो करने लगे। अमिताभ बच्चन साहब अगर कांग्रेस के लीडरों को आजकल ट्विटर पर फॉलो कर रहे हैं तो मैं एक ही बात कहूंगा, फारसी में कहावत है देर आयद दुरुस्त आयद, लेकिन उससे भी बढ़कर एक बात और है जो उर्दू का एक शेर है, उसका एक मिसरा है, बहुत देर की मेहरबान आते आते। लेकिन बिग बी को सबसे शानदार रिस्पॉन्स मिला कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मनीष तिवारी की ओर से। मनीष तिवारी ने ट्विटर पर लिखा कि अमिताभ बच्चन सर, आपने मुझे ट्विटर पर फॉलो किया, इसके लिए धन्यवाद। मेरे लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि मुझे भारतीय सिनेमा के आइकॉनिक सुपरस्टार को फॉलो करने का मौका मिला। बच्चन जी की फिल्में जब रिलीज होती थीं, तब हम पहले दिन का पहला शो देखते थे। ऐसा करते हुए ही हम बड़े हुए। 70 और 80 के दशक में चंडीगढ़ में बालकनी की टिकट 3 रुपए की थी। आज के समय में इस बात पर विश्वास करना काफी मुश्किल है। रिश्तों की नई शुरुआत कुछ दिनों पहले ही हुई, जब अमिताभ बच्चन ने ट्विटर पर कांग्रेस पार्टी को फॉलो किया। तब कांग्रेस ने जवाब में कहा कि अमिताभ बच्चन सर जी, फॉलो करने के लिए धन्यवाद। हम आपको 102 नॉट आउट के लिए ऑल द बेस्ट भी कहते हैं। हमारे पास सेलिब्रेट करने का एक और कारण भी है, हमारे अब 4 मिलियन फॉलोअर्स हो गए हैं, सभी को धन्यवाद। यही नहीं, इसके बाद बिग बी ने चिदम्बरम, सिब्बल और माकन समेत कई नेताओं को भी फॉलो किया। 80 के दशक में नेहरू गांधी परिवार से अमिताभ बच्चन के रिश्ते काफी मजबूत थे। बोफोर्स कांड के बाद अमिताभ बच्चन कांग्रेस से अलग होने लगे, लेकिन राजीव गांधी से उनका रिश्ता बना रहा। राजीव गांधी की मौत के बाद भी परिवार के साथ बिग बी के रिश्ते रहे, लेकिन 1996 में उन्होंने गांधी परिवार से पूरी तरह से अलग बना ली। लेकिन 22 साल के बाद फिर से ट्विस्ट लाया गया। दिल्ली से कैमरामैन निहाल गौतम के साथ अमर सिंह, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।